तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, वीवो की V20 सीरीज के बाद आपको वीवो की V21 सीरीज जल्दी इंडिया में मिलने वाली है। और जो वीवो की मलेशिया वाली वेबसाइट है और इनका जो ट्विटर अकाउंट है, इन्होंने ऑफिशियली वीवो की V21 सीरीज को टीज करना स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि आप वीवो की मलेशिया की वेबसाइट को देख सकते हो, यहाँ पर आपको वीवो की V21 सीरीज देखने के लिए मिल रही है। और इस बार वीवो की V21 सीरीज में आपको वैसे 3 स्मार्टफोन मिलेंगे। सबसे पहले स्मार्टफोन आपको 2 देखने के लिए मिलेंगे, एक वीवो का V21 एंड V21 E। अब जो वीवो का V21 E है, वो मेरे ख्याल से एक आपको बजट स्मार्टफोन मिलने वाला है। वीवो का जो बजट होता है वो आपको पता ही है, ये 10-12 हज़ार तो नहीं होता, बट 15 या 16 थाउजेंड के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकता है जो वीवो का V21 E होगा। और ये जो स्मार्टफोन्स है, ये दोनों ही आपको मलेशिया में देखने के लिए मिलने वाले हैं। सबसे पहले जो वीवो का V21 होगा वो भी आपको इसके साथ ही मिलेगा, बट जो वीवो का V21 Pro होगा वो आपको अभी देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट इंडिया में जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हो गए, तो ऐसा हो सकता है कि वीवो का V21 और V21 Pro दोनों स्मार्टफोन आपको इंडिया में मिल जाए। और बताया जा रहा है कि इंडिया में आपको 2 स्मार्टफोन मिलेंगे वीवो के V21 के अंदर, एक 4G वाला स्मार्टफोन होगा और एक 5G वाला स्मार्टफोन होगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ वीवो के V21 के बारे में बात करेंगे, जो आपको 5G वाला वेरियंट देखने के लिए मिलने वाला है। जो वीवो का V21 E होगा, उसके रिलेटेड अभी कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आया है। जैसे ही वीवो के V21 E और वीवो के V21 Pro के रिलेटेड कन्फर्मेशन आता है, तो मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, ताकि आप आने वाले अपडेट को मिस ना करें। तो गाइस, जैसा कि आप इन पोस्टर में देख सकते हो, यहाँ पर आपको वीवो के V21 का कुछ इस तरह का डिजाइन देखने के लिए मिलेगा। साउंड वाली साइड आपको एक वाटर ड्रॉप नोच वाली डिस्प्ले मिलेगी। तो गाइस, 2021 चल रहा है और काफी ज्यादा कंपनीज पंच होल पर शिफ्ट कर चुकी है, बट वीवो ने फिर से यहाँ पर वाटर ड्रॉप नोच का यूज किया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करने के लिए उन्होंने पुरानी डिस्प्ले का यूज किया हुआ है। और उसके साथ ही पीछे वाली साइड आपको वीवो की X50 सीरीज या वीवो की X60 सीरीज जैसा डिजाइन ही मिल जाता है। आपको यहाँ पर 3 कैमरास देखने के लिए मिल जाते हैं। जो कैमरास का डिजाइन है वो काफी अच्छा मिल जाता है, और इसका पूरा का पूरा कैमरा डिजाइन कॉपी है वीवो की X50 सीरीज से। और अगर हम बात करें वीवो के V21 E के डिजाइन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें आपको 2 कैमरास मिलेंगे पीछे वाली साइड, और इसका भी डिजाइन होगा वो आपको हद तक सेम ही मिलेगा वीवो के V21 जैसा। और सामने वाली साइड, इसमें भी आपको एक वाटर ड्रॉप नोच वाली डिस्प्ले मिलेगी। अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशन की, तो वीवो का जो V21 होगा, इसमें आपको 44 मेगापिक्सल का सिंगल फ्रंट कैमरा मिलेगा, जिसमें आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन का सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर वीवो ने काफी अच्छा काम किया है। फ्रंट वाली साइड अगर आप वीडियो शूट करते हो, तो वहां पर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे आप काफी स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। और अगर आप व्लॉगिंग के लिए फोन खरीदना चाहते हो, तो आप इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो, क्योंकि यहां पर आपको काफी अच्छी कैमरा क्वालिटी मिल जाएगी। और अगर हम बात करें इसके बैक वाले कैमरास की, तो बैक वाली साइड आपको 64 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरास देखने के लिए मिलेंगे, और इसमें भी आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिलेगा। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा, और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो या डेप्थ सेंसर मिल सकता है। अगर हम बात करें इसके रैम स्टोरेज वेरिएंट की, तो इंडिया में ये जो स्मार्टफोन है वो 2 वेरिएंट के साथ लॉन्च हो सकता है, 6GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज। जो 8GB रैम वाला वेरिएंट होगा, वहां पर आपको 3GB की वर्चुअल रैम देखने के लिए मिलेगी। अब जो 6GB रैम वाला वेरिएंट है, उसके रिलेटेड कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि उसमें आपको 3GB की रैम मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो गाइस, जो 3GB रैम होगी, वो एक आपको एक्सटेंडेड रैम देखने के लिए मिलेगी, जिसे हम वर्चुअल रैम कहते हैं, जैसा आपको वीवो की X60 सीरीज के अंदर मिला था। तो गाइस, इसकी मदद से आपका जो फोन होगा वो काफी ज्यादा फास्ट होगा, और आपकी जो एप्लीकेशन की स्पीड होगी ओपन करने की, वो भी आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको जो यूजर इंटरफेस होगा वो काफी अच्छा इस स्मार्टफोन में मिल जाएगा। और ये जो स्मार्टफोन होगा वो एंड्रॉइड 11 पर रन करेगा, जिसमें आपको फ्रंट टच ओएस 11 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। अगर हम बात करें इसकी बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 4500 mAh या 5000 mAh तक की बैटरी मिलेगी, जिसमें आपको 33 वोल्ट तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक का डिमेंसिटी 800U वाला प्रोसेसर मिलेगा, जिसमें आपको डुअल 5G मोड का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर हम बात करें 4G वाले वेरियंट की, तो 4G वाले वेरियंट में आपको स्नैपड्रैगन का 732G या स्नैपड्रैगन का 720G वाला प्रोसेसर मिल सकता है, या आपको मीडियाटेक का कोई भी प्रोसेसर मिल सकता है। जो 4G वाला वेरिएंट है, उसका लेटर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, बट लीक्स की माने तो आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने के लिए मिल सकता है। और अगर हम
बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.44 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस पर डिस्प्ले मिलेगी, जहां पर आपके कैमलेट पैनल देखने के लिए मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको 90 हर्ट्ज पर डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट मिलेंगे, तो आपको जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस होगा वो काफी अच्छा मिल जाएगा। और ये जो स्मार्टफोन होगा इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा सिक्योरिटी के लिए। और अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस आपको 25,000 से ऊपर ही देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन होगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्लिम देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इसकी जो प्राइस होगी वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने के लिए मिलने वाली है, तो आप लेकर चलो कि 25,000 या 26,000 रुपीज़ में आपको इसकी प्राइस देखने के लिए मिल सकती है इंडिया में। तो गैस ये थी कुछ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वीवो के V21 के 5G वेरिएंट की। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ ही बेल को दबा दीजिए ताकि आप हर वाले अपडेट को मिस ना करें। थैंक यू।